यार बदनाम उसने किया, पैसे मैं क्यों दूं? नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ ये, अपने जॉनी डेप कह रहे हैं। वो एम्बर हर्ड के साथ उनका केस चला था ना, उनकी एक्स वाइफ, तो उसमें उनको $2 मिलियन देने। हाँ, $10 मिलियन उन्हें भी मिल रहे हैं, लेकिन जॉनी भाई जो है वो 2 मिलियन क्या 150 रुपया देने के भी मूड में नहीं है। तो सीन क्या है? सीन ये है कि मई 2022 में 6 हफ्ते की लीगल बैटल के बाद वर्जीनिया कोर्ट ने एम्बर हर्ड से कहा कि आप जॉनी डेप को $10 मिलियन देंगी एज कंपनसेटरी डैमेज, और कहा कि इसके अलावा $5 मिलियन और देने होंगे फॉर छोटा मोटा डैमेजेस, जिसको बाद में कम करके कोर्ट ने $350,000 कर दिया। अब एम्बर हर्ड का ऐसा नहीं है कि इस फैसले से एकदम कट ही गया। कोर्ट ने कहा कि जॉनी डेप, आप अपनी एक्स वाइफ एम्बर हर्ड को भी $2 मिलियन देंगे एज कॉम्पनसेशन। तो बस इस फैसले के बाद जॉनी एंड उनकी टीम ने यह फैसला किया कि वो इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगे। एंड अब आप सोच रहे होंगे कि भाई जॉनी का तो समझ में आता है, एम्बर हर्ड को किस बात के पैसे मिल रहे हैं भाई? तो एम्बर हर्ड ने यह आरोप लगाया कि जॉनी डेप ने अपने लॉयर एडम वॉल्डमैन के थ्रू उन्हें डिफेम किया, ये कहकर कि उनके सभी आरोप बेबुनियाद हैं, फेक हैं, फर्जी हैं, फ्रॉड हैं, प्रैंक हैं। प्रैंक? वेल, ये सुनकर कोर्ट ने कहा कि गर्ल हैज अ पॉइंट, जॉनी डेप 2 मिलियन दो। सो जॉनी डेप ने कहा ऑब्जेक्शन मे लॉर्ड, और अपने एक 44 पेज लंबे अपील में ये लिखा, द ट्रायल कोर्ट वॉज कन्फ्रंटेड विद अ नंबर ऑफ नॉवल एंड कॉम्प्लेक्स लीगल एंड फैक्चुअल इश्यूज, एंड ऑल्दो द ट्रायल कोर्ट डिसाइडेड द वास्ट मेजोरिटी ऑफ दोज इश्यूज सेंसिबली एंड करेक्टली, अ फ्यू रूलिंग्स वर एरनस। बोले तो ज्यादातर मुद्दों पे सही डिसीजन दिया, लेकिन एक दो जगह पे गलती कर गए। उन्होंने और भी लिखा है, सुनिए। As a matter of law, Mr. Waldman is an independent contractor whose allegedly tortious conduct is not automatically attributable to Mr. Depp. बोले तो Waldman की बातों से Depp का कोई लेना देना नहीं है। बाकी Johnny Depp ने ये जो अपील दर्ज की है, ये ठीक Amber Heard की इस फैसले को खारिज कर दिया जाए अपील के दूसरे दिन ही की है। बाकी एक और खबर ट्रेंड कर रही है, सुनाई देता हूँ। Elon Musk ने ट्विटर खरीदा है, आपको पता है। Elon Musk की एक्स गर्लफ्रेंड है Amber Heard, ठीक? तो जैसे ही इलॉन मस्क ने ट्विटर खरीदा, एम्बर हर्ड ने अपना ट्विटर अकाउंट डिलीट कर दिया। अब देखिए, इन दो वाक्यों का आपस में क्या संबंध है, नहीं है, वो मुझे नहीं पता। न्यूज मैंने ऐसे ही पढ़ी, ऐसे ही सुना दी। बाकी आप समझदार हैं, समझ जाएंगे। तो क्या समझे क्या नहीं समझे कॉमेंट करके बताओ। एंड एंटरटेनमेंट की बाकी खबरों के लिए देखते रहो एंटरटेनमेंट लाइव। थैंक्स फॉर वॉचिंग।